Hello everyone, let's take some more example for the designing of the PDA. Let's say the language given to us is W reverse, and where W contains the elements A and B. So last video mein agar aapne dekha hoga to humne W reverse ke liye PDA design kiya tha. Yahan pe hume ye pata tha ki jo word mein jitne bhi W word mein jitne bhi characters aate hain unko hume push karna hai. जैसे सी आएगा उसके बाद के आने वाले सभी कैरेक्टर्स को हमें पॉप करना है बाय मेकिंग अ मैच बिटवीन द कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ए बी बी एज अ डब्ल्यू एंड सी विल बी देयर एंड बी बी ए विल बी द डब्ल्यू रिवर्स. तो ए बी बी को हम स्टैक पे पुश कर देते थे और सी जैसे ही आता था उसके बाद हम पॉप करते थे. लेकिन पॉप करने के लिए ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मैच करना चाहिए. तो जो ये कैरेक्टर है वही स्टैक का टॉप है. आने वाला जो कैरेक्टर है नेक्स्ट उसके साथ अगर इसका मैच होता है तो हम स्टैक को पॉप कर देते हैं. सिमिलरली ये जो कैरेक्टर है वो इसके साथ मैच होना चाहिए. तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो स्टैक का ये वाला कैरेक्टर है. इसको अगर हम देखते हैं कि मैच है तो स्टैक को हम पॉप कर देते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर एक्चुअली ये वाला कैरेक्टर है, इसके साथ मैच होना चाहिए वो. तो अगर स्टैक के टॉप के साथ वो मैच करता है तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे. तो सी एक ऐसा सेंटर था जो हमें ये बता रहा था कि कब तक हमें पुश करना है और कब तक हमें पॉप करना है. यहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं है. यहाँ की सिचुएशन डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स मतलब ये जो लैंग्वेज गिवन है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग डब्ल्यू गिवन है ए बी ए और उसके बाद एक और स्ट्रिंग गिवन जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो भी ये ए बी ए ही होगा. तो उस केस में अगर हम पुश करते हैं स्टैक पे सो ए बी ए को हमने स्टैक पे पुश कर दिया और इसके बाद फिर इस ए को मैच करा लेते हैं स्टैक से, ये पॉप होना चाहिए. इस बी को मैच करा लेते हैं स्टैक के टॉप से, ये मैच हो गया. ये इसको यहाँ से देखते हैं ये मैच हो गया, पॉप किया. तो लेकिन हमने ये माना कि भाई कि यही सेंटर है और इसी के हिसाब से पुश किया एंड पॉप किया. लेकिन ऐसा डिफाइंड यहाँ नहीं है कि सेंटर कौन सा है. तो उस केस में ये डिसीजन लेना कि कब आपको पुश करना है और कब पॉप करना है ये डिफिकल्ट हो. तो इसके लिए हमें एक लॉजिक डिजाइन करनी पड़ेगी जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि किस केस में हमें पुश करना है और किस केस में हमें पॉप करना है. तो इस सेम स्ट्रिंग को लेते हुए हम कुछ लॉजिक्स डिजाइन करते हैं. सो लेट्स से ए बी ए इज द स्ट्रिंग डब्ल्यू एंड इट्स रिवर्स इज ए बी ए. नाउ अगर हम मान लें कि हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है और इस एम्प्टी स्टैक में हमने एक जैसे कोई कैरेक्टर ए आया हमने इसको पुश कर दिया. फिर जैसे कोई कैरेक्टर बी आया हमने देखा कि क्या स्टैक के टॉप से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखें कि इस केस में जो पॉप वाली एक्टिविटी थी उसी केस में होनी चाहिए जब स्टैक का टॉप कैरेक्टर करेंट कैरेक्टर के साथ मैच करता है. क्योंकि ये रिवर्स है तो रिवर्स का मैच होना चाहिए. तो अगर बी कैरेक्टर है स्टैक के टॉप पे ए है तो हम इसको पुश कर देंगे. एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर ए है और ये स्टैक के टॉप के साथ मैच नहीं करता इसलिए हम इसको पुश कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ए है और ये स्टैक के टॉप के साथ मैच कर जाता है इसलिए हम स्टैक के टॉप को पॉप कर देंगे. ये बी आया कैरेक्टर जो कि स्टैक के टॉप के साथ मैच कर जाता है इसको हम पॉप कर देंगे. ये ए आया जो कि स्टैक के टॉप के साथ मैच कर जाता है इसलिए हम इसको पॉप कर देंगे. तो लॉजिक हमने ये बनाया कि अगर कोई सिंबल है और कोई सिंबल हमारे पास आता है इनपुट की तरह से और स्टैक में जेड नॉट कैरेक्टर है टॉप पे तो हम क्या करेंगे कि स्टैक पे उस कैरेक्टर को पुश कर देंगे. तो अगर हम इसको ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में लिखें सो अगर स्मॉल ए कैरेक्टर मेरे पास आता है इनपुट स्टैक के टॉप पे जेड जीरो है तो मैं इसको पुश कर दूंगा स्टैक पे. फाइन. इसी तरह से अगर मेरे पास Not like this. अगर हम स्मॉल ए करेक्टर मेरे पास आता है और जेड नॉट मेरे स्टैक के टॉप पे है तो मैंने ए जेड नॉट पुश कर दिया मतलब कि ए को पुश कर दिया. इसी तरीके से मैंने एक लॉजिक ये भी बनाया कि अगर एक यहाँ तो इस स्ट्रिंग में ए गिवन था लेकिन अगर बी करेक्टर आया और स्टैक एम्प्टी है तो हम उसको भी पुश करेंगे. इसी तरह से अगर हमारे पास ए करेक्टर इनपुट की तरह से आता है और स्टैक के टॉप पे बी है तो हम इसको पुश कर देंगे क्योंकि ये मैच नहीं होता. अगर मेरे पास बी कैरेक्टर आएगा और स्टैक के टॉप पे ए है तो हम इस बी कैरेक्टर को स्टैक पे पुश करेंगे.
फाइन। अच्छा अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिससे कि और क्लैरिटी हम एस्टैब्लिश होगी। लेट्स से कि डब्ल्यू हमारा ए बी बी है और बी बी ए डब्ल्यू रिवर्स होगा। अभी हमने ये लॉजिक बनाई थी कि स्टैक से पॉप तब करना है जबकि मैचिंग कैरेक्टर मिले स्टैक के टॉप से। सो जेड नॉट मेरा स्टैक का टॉप है, जैसे ए आया मैंने स्टैक पर पुश कर दिया है, जैसे बी आया मैंने स्टैक पर पुश कर दिया क्योंकि ये स्टैक के टॉप से मैच नहीं होता। अब नाउ बी आया तो अब ये बी स्टैक के टॉप से मैच कर जाता है। हमारी लॉजिक ये कहती है कि हम इसको पॉप करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको पॉप कर देंगे तो हम सेंटर तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले ही हमने पॉप करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स स्ट्रिंग है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए था कि हमें बी तक पुश करना चाहिए था। तो अब ये एक कंफ्यूजन हमारे लिए है कि सेम कैरेक्टर आया तो हम पुश करें कि पॉप करें। तो ये जो कंफ्यूजन है उस रीजन से ये जो पीडीए हम डिजाइन कर पाएंगे दैट विल बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। और हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन में पुश करके देख लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन में पॉप करके देखते हैं, जो भी हमें फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएगा हम उसी को मान लेंगे कि वो सही रास्ता है। तो सेम कैरेक्टर के केस में आपको पुश भी कर लीजिए और सेम कैरेक्टर के केस में आप पॉप भी कर लीजिए, और इस तरह का जो पीडीए डिजाइन होगा उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कहेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक पीडीए डिजाइन करते हैं। लेट्स से मेरे पास क्यू जीरो स्टेट है और क्यू जीरो स्टेट पे मुझे स्मॉल ए कैरेक्टर मिलता है और स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है तो मैं इसको पुश कर दूंगा। मुझे स्मॉल बी कैरेक्टर मिलता है और जेड नॉट स्टैक के टॉप पे है तो मैं इसको पुश कर दूंगा स्टैक पे। अगर मेरे पास स्मॉल ए कैरेक्टर आता है और स्टैक के टॉप पे बी है, इसका मतलब कि डिफरेंट सिंबल है, तो मैं इस बी ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा। सिमिलरली अगर बी कैरेक्टर आता है और स्टैक के टॉप पे ए है, इसका मतलब डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर देता हूँ। इसके बाद मान लीजिए कि सेम कैरेक्टर्स आते हैं, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए आया और स्टैक के टॉप पे भी स्मॉल ए है, तो आपको दो तरह के एक्शन ले सकते हैं आप। अगर सेंटर नहीं पहुंचे हैं तो हम पुश करेंगे, सेंटर पहुंच गया तो पॉप करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं जिससे हम सेंटर फाइंड आउट करें। तो हम दोनों को या दोनों ट्रांजिशन को यहाँ पे दिखा देते हैं। तो स्मॉल ए आया, स्टैक के टॉप पे ए था, मैंने इसको पुश कर दिया। इसी के साथ साथ एक पॉप वाला एक्शन भी डिसाइड कर लें, स्मॉल ए आया स्टैक के टॉप पे ए था तो मैंने इसको पॉप कर दिया। नाउ ये जो पॉप वाला डायरेक्शन है, जैसे आप पॉप स्टार्ट करेंगे आप पॉप करते रहेंगे लगातार, तो इसीलिए हमने इसको डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा। सिमिलरली अगर आपका कैरेक्टर बी आया है और स्टैक का टॉप भी बी है तो आप इस बी कैरेक्टर को पुश कर दीजिए एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में इसको पॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सेंटर आया है या सेंटर नहीं आया है। मान लीजिए आपने पॉप करना स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद पॉप वाली एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। अगर स्मॉल ए आया स्टैक के टॉप पे ए है तो हम इसको पॉप कर देंगे। सिमिलरली बी आया और स्टैक के टॉप पे भी बी है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। कोई भी स्ट्रिंग अगर आप पिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ए बी ए, तो एंड में एक एप्सिलॉन जरूर होगा इनपुट टेप में, उस एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक्सेप्ट कराना है। सो इफ वी हैव द एप्सिलॉन एंड द स्टैक टॉप इज जेड नॉट, ऑब्वियसली सभी कैरेक्टर्स पॉप हो चुके होंगे और इसको हम जेड नॉट ही छोड़ेंगे और हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल स्टेट। नाउ दिस इज द पीडीए डिजाइन। अब आइए इसको हम देखते हैं, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम सभी इनपुट्स को और स्टैक के सभी कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे, देखते रहेंगे कि कहाँ पे कि और किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्यू जीरो स्टेट में अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की और मेरे पास मान लेते हैं कि जो डब्ल्यू है वो डबल ए है, तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी डबल ए ही होगा और स्टैक के टॉप पे इनिशियली जेड जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि स्टैक एम्प्टी है और स्मॉल ए कैरेक्टर, मतलब कि ये वाला कैरेक्टर हम देख रहे हैं, स्मॉल ए कैरेक्टर हमारे पास इनपुट आया तो आप उसको स्टैक पे पुश करेंगे, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं। सो क्यू जीरो मेरे पास आया और स्मॉल ए क्यू जीरो स्टेट में आते हैं और ए आया तो आप इस ए को स्टैक पे पुश कर देंगे। तो इनपुट में से अब आपके पास जो बच गया है वो है ट्रिपल ए। So this is the activity you perform and what we are doing, this is called the instantaneous description. Instantaneous description. I hope you will remember this term. Okay. So after this, एक ए और आया और आपके स्टैक पे स्मॉल ए पहले से था,
तो अब आप क्या करेंगे, तो ये तो कैरेक्टर मैच हो गए। अगर कैरेक्टर मैच हो गए तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम इसको मान लें कि सेंटर आ गया है, और एक हम ये मान लें कि सेंटर नहीं आया है। ठीक है, तो एनसी का मतलब सेंटर नहीं आया है, सी का मतलब सेंटर आ गया। तो अगर सेंटर आ गया तो अब क्या करेंगे, पॉप करेंगे। सो पॉप करेंगे तो Q0 से Q1 स्टेट में मूव करेंगे। इनपुट में डबल ए आपके पास बच गया है, और आपके स्टैक के टॉप पे Z0 रह जाएगा क्योंकि आपने ए कैरेक्टर को पॉप कर दिया। नाउ नो सेंटर का मतलब क्या है कि हम इस स्टैक में कैरेक्टर को पुश करेंगे। सो आप Q0 स्टेट में ही रहेंगे, इनपुट आपका डबल ए बच गया है, AZ0 पहले से था स्टैक में, एक ए आपने और पुश कर दिया स्टैक पे, सो द स्टैक नाउ कंटेन डबल AZ0। आफ्टर दिस लेट्स से वी आर गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, मींस वी आर गोइंग अहेड विद दिस वन। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्मॉल ए कैरेक्टर एज ए इनपुट आया है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या एक्शन लेंगे, मान सकते हैं कि स्टैक के टॉप के साथ ये मैच हो गया, ये हो ही रहा है मैच, तो दो रीजन हमारे पास होंगे। एक ये मानते हुए कि सेंटर नहीं आया है, और ये मानते हुए कि सेंटर आ गया है। तो अगर सेंटर नहीं आया है तो हम इसमें इसको स्टैक पे पुश कर देंगे। सो आई विल रिमेन विद ए एंड AAA Z0 विल बी स्टैक। और अगर सेंटर आ गया तो हम स्टैक से इसको पॉप करेंगे। पॉप करेंगे तो Q1 स्टेट में जाएंगे, और स्मॉल ए कैरेक्टर मेरे पास बच जाएगा इनपुट में, और स्टैक से एक एक हम पॉप करेंगे, सो दिस विल बी AZ0। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ फिर से एक बार प्रोग्रेस करते हैं, और कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं इस केस में भी, मतलब कि जो इनपुट कैरेक्टर है और स्टैक का टॉप मैच हो रहा है। तो वंस अगेन दो कंडीशंस होंगी, एक होगा हम मानेंगे कि सेंटर नहीं पहुंचे, और एक मान लेंगे कि सेंटर आप पहुंच गए। तो अगर आप सेंटर नहीं पहुंचे तो स्टैक में इस कैरेक्टर को पुश कर देंगे। सो Q0 एप्सिलॉन बचा आपके पास इनपुट में, और स्टैक में हो गया 4A's and Z0। सेंटर अगर आप पहुंच गए हैं तो क्या होगा, स्टैक से आप पॉप करेंगे, पॉप करेंगे तो Q1 स्टेट में पहुंचेंगे, एप्सिलॉन बचेगा आपके पास इनपुट में, और स्टैक से एक ए पॉप हो जाएगा, यू विल रिमेन विद AA Z0। फाइन, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, मतलब ये ऐसा कह रहा है कि Q0 एप्सिलॉन एंड AA Z0, इसका मतलब इनपुट सिंबल एप्सिलॉन है, Q0 स्टेट में आप हैं, और स्मॉल ए स्टैक के टॉप पे हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो ऐसा कोई भी मूवमेंट डिसाइडेड नहीं है इसमें, या डिफाइंड नहीं है इस ऑटोमेटा में। तो ऐसा कोई मूवमेंट डिसाइडेड नहीं है Q0 स्टेट से जैसे कि आप एप्सिलॉन लेके आगे चले जाएं, तो इसलिए हम कहेंगे ये वाला जो पार्ट है वो हमें फाइनल स्टेट की तरफ लेके नहीं जाता है। नाउ अब अगर आप देखें कि दूसरा वाला, मतलब ये वाला पार्ट अगर आप देखें, तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि Q1 स्टेट में आपको एप्सिलॉन मिला और स्टैक के टॉप पे ए था। तो देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ट्रांजिशन डिफाइंड है क्या। तो Q1 स्टेट में एप्सिलॉन मिला, लेकिन अगर स्टैक के टॉप पे Z0 होता तब तो आप आगे मूव करते, लेकिन इस केस में कहा जा रहा है कि स्टैक के टॉप पे Z0 ना होके स्मॉल ए है। इसका मतलब कि ये भी रास्ता मुझे फाइनल स्टेट की तरफ लेके नहीं जाएगा। अब आइए हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि Q1 स्टेट में ए मिला, स्टैक के टॉप पे भी ए था, और Z0 आपका स्टैक सॉरी ए था, इनपुट सिंबल ए मिला और आपके स्टैक के टॉप पे भी ए था। तो आप क्या करेंगे कि दो डायरेक्शन इसमें पॉसिबल है, एक डायरेक्शन पॉसिबल है जिसमें कि आप पुश कर देंगे, और एक डायरेक्शन ऐसी पॉसिबल है जिसमें कि आप पॉप कर देंगे। सो अगर मानेंगे कि सेंटर आ गया है पॉप करेंगे, नो सेंटर के केस में आप पुश कर देंगे। सो मान लेते हैं कि जस्ट अ मिनट, एक छोटी सी गलती हमसे हो गई है, प्लीज डोंट माइंड। तो यहाँ पे क्या है कि Q1 स्टेट में पुश करने की कोई एक्टिविटी नहीं है, Q1 स्टेट में केवल पॉप करने की एक्टिविटी हो सकती है। सो Q1 स्टेट में अगर स्मॉल ए आया इनपुट और स्टैक के टॉप पे ए है, तो हम पॉप कर देंगे, रहेंगे Q1 स्टेट में। सो एप्सिलॉन एंड देन फॉलोड बाई Z0 हमारे स्टैक के टॉप पे बच जाएगा। ये जो Q1 में अगर आपको एप्सिलॉन मिलेगा, तो डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं, Q1 में एप्सिलॉन मिला और Z0 स्टैक के टॉप पे है, तो PDA के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हम फाइनल स्टेट में जा सकते हैं। तो इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज लीडिंग अस टू फाइनल स्टेट। ओके, सो दिस इज लीडिंग अस टू फाइनल स्टेट।
नाउ इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें ऐसा दिख रहा है कि Q1 हमें मिला, मतलब दिस वन Q1 है स्टेट में, ये इनपुट आया और Z0 हमारे स्टैक के टॉप पे, तो ये ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम में कि अगर ए आया इनपुट करेक्टर और स्टैक का टॉप Z0, तो ऐसा कोई भी ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, तो ये भी मुझे फाइनल स्टेट की तरफ लेके नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि केवल एक रास्ता है जो कि हमें फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाता है, और बाकी रास्ते में फाइनल स्टेट की तरफ लेके नहीं जाते हैं। तो इस तरह का जो पीडीए हमने डिजाइन किया है इसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो आपने यहाँ पे ये भी देखा कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर ले रहा है जिसको पीडीए नहीं सॉल्व कर सकता या डिटर्मिनिस्टिक पीडीए नहीं सॉल्व कर सकता। तो आप कहेंगे कि ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है इसकी जो एक्सप्रेसिव पावर है या जो ये जो इसकी इसकी पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। इस लेक्चर से पहले जितने भी आपने पीडीए डिजाइन किए हैं वो सारे डिटर्मिनिस्टिक पीडीए थे, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से आपने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जो कि डिटर्मिनिस्टिक पीडीए सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जो है दैट इज मोर पावरफुल देन द डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है दैट इज एक्चुअली दी सबसेट ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑन दी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए।